हाय फ्रेंड, मैं जुगलकिशोर स्वामी आपके बीच में फिर एक बार हाजिर हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि डिजिबिलिटी रूल और डिजिबिलिटी रूल के कुछ पार्ट बच गया था और वो हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इसमें हमने लास्ट वीडियो में क्या है, किस किस टॉपिक पे बात हुई थी, किस किस के टेस्ट पढ़े थे, उनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। 2 के टेस्ट कर लिया, 3 को टेस्ट कर लिया, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 11 को और 13 को। अब हमने 12 को क्यों नहीं पढ़ा, वो आगे आने वाले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चनों में हम पता करेंगे कि हमने 12 का क्यों नहीं पढ़ा। अब आगे हम टेस्ट करने जा रहे हैं 27 का। हम टेस्ट 27 का, 27 के टेस्ट में हमने लास्ट का एक डिजिट, लास्ट के एक डिजिट को शेष में से एट से मल्टीप्लाई करके शेष में से घटाने पर अंक को एट से गुणा करके शेष में से घटाने पर, लेकिन बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, बिग नंबर माइनस से स्मॉल नंबर। जैसे हमने कोई और भी संख्या ले सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से कोई भी संख्या ले लो, जैसे 621 है। हमें ये देखना है कि ये 27 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। 27 हमने क्या पढ़ा है कि अंतिम अंक को 8 में से 8 से गुणा करके शेष में से घटाने पर, तो अंतिम संख्या अपनी क्या है, 162। एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने आएंगे, 12। 12 में से 8 घटाएंगे कितने आएंगे, 4। यहाँ कितने आएंगे, 5। तो ये आ गया 54। 54 है वो 27 से क्या है, डिवाइड है, यानी 27 से क्या है, विभाजित है। उसके बाद में अपने कोई और संख्या ले सकते हैं, वो संख्या है 589। 589 है, 589 लेंगे तो यहाँ पे अपने पास लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। 9 को क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 58 से। अब यहाँ क्या रूल लगा है, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, क्यों, क्योंकि 72 है वो 58 से क्या है, बड़ा है। इस वजह से हमने 72 माइनस, यहाँ से कितने आ गए 12, यहाँ से कितने आ गए 4, यहाँ कितने बच गए 6, यहाँ कितने आ गए 14, यानी ये 27 से डिवाइड नहीं होगा। और भी अपने स्वेच्छा से कोई भी संख्या ले सकते हैं। हमने 27 का डिजिबिलिटी रूल क्या पढ़ा है कि अंतिम अंक, जो अंतिम अंक आता है उससे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और 8 से मल्टीप्लाई करके शेष में से घटा देते हैं, लेकिन बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर। जैसे अपने कोई और संख्या ले लेते हैं, सिक्स 507, इसको हमने 27 से डिजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो अपने क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को एट से मल्टीप्लाई करेंगे और शेष में से घटा देंगे। 650 माइनस 7 × 8 56, यहाँ से क्या आ गया 4, यहाँ क्या हो गया 10, यहाँ कितना आ गया 4, यहाँ कितना हो गया 14, 9, यहाँ कितना हो गया 5। अब 5594 है, अपने लास्ट फिर भी चेक कर सकते हैं क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करें, 59 माइनस 8 × 4 32, ये क्या आ गए 7, ये क्या आ गए 2, यानी ये जो 27 है, 27 से डिवाइड है, इसका अर्थ ये हुआ
कि ये जो इतनी बड़ी संख्या है वो 27 से डिवाइड हो रही है। अपने कितनी से कितनी बड़ी संख्या ले लो, हम क्या करेंगे लास्ट वाली एक अंक को एड से मल्टीप्लाई करेंगे, शेष में से घटाते रहेंगे, लेकिन बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर। तो आगे हम 17 का देखते हैं, आगे हम 17 का देखते हैं। 17 में टेस्ट करने जा रहे हैं, 17 में टेस्ट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, अंतिम अंतिम अंक को 5 से गुणा करके शेष में से घटाएंगे, अंतिम अंक को फाइव से गुणा करके शेष में से घटाने पर अंतिम अंक को 5 से मल्टीप्लाई करके शेष में से घटाने पर, लेकिन बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, अपने को अंतिम संख्या को 5 से गुणा करके और शेष में से घटा, 27 के टेस्ट में क्या पड़ा था कि जो अंतिम डिजिट आ रही है उसको एड से मल्टीप्लाई करे और शेष में से घटा रहे थे, लेकिन इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और शेष में से क्या करेंगे घटा देंगे। जैसे अपने पास कोई संख्या है 623 में क्या करेंगे, अपना क्या है अंतिम में से 5 से गुणा करेंगे, 62 5 इंटू 3 कितने हो गए 15, क्योंकि अंतिम डिजिट अपना क्या है 3 है, इसमें से यहां से कितने आते 12, यहां से 7 5 4, यानी अपने क्या है ये इसका मल्टीप्लाई नहीं है, यानी 7 के मल्टीप्लाई 17 के मल्टीप्लाई नहीं है, तो यानी ये 17 से डिवाइड नहीं हो रहा है। आप और भी कोई संख्या ले सकते हो, अपनी स्वेच्छा से कोई भी संख्या सिलेक्ट कर सकते हो। अपने क्या पढ़ा है कि अंतिम अंतिम अंक को 5 से मल्टीप्लाई करके शेष में से घटाने पर, आगे संख्या लिए 517 देखते हैं ये कितने आगे 35, क्योंकि अंतिम क्या है 7 7 into 5, यहाँ से 11, यहाँ से 6, यहाँ से 4, यहाँ से ये भी क्या नहीं है 17 से मल्टीप्लाई नहीं है। और भी आप कोई भी संख्या ले सकते हो अपनी स्वेच्छा से, हम पढ़ रहे हैं 19 का। अगर जैसे 153 ले लिया जाए, 153 ले लिया जाए तो अंतिम अंक क्या है 3 है, तो 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा 0, यानी ये क्या है अगर 0 आ रहा है या तो वो 0 आएगा या 17 के मल्टीप्लाई आएगा, तो ये 0 आ रहा है तो ये संख्या क्या है 17 के मल्टीप्लाई में, ये 0 आ रहा है तो 17 से डिवाइड हो रहा है। आगे हम पढ़े अंतिम टेस्ट पढ़ रहे हैं, हम 19 का, 19 के टेस्ट में हम थोड़ी सी हटकर बात करेंगे, क्योंकि 19 के टेस्ट में यह है कि अंतिम अंक को 2 से मल्टीप्लाई करके शेष में जोड़ने पर यानी हमने 27 और 17 में यह पढ़ा है कि शेष में से घटाने पर, लेकिन 19 के डिजिबिलिटी रूल में हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं कि अंतिम अंक को 2 से गुणा करके शेष में जोड़ने पर। जैसे अपने कोई संख्या ले रहे हैं हम 171 है, तो 171 अंतिम अंक को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 माइनस 2
2 से मल्टीप्लाई किया 2, ये कितना है 19, ये क्या है 19 से डिवाइड हो रहा है। आप और भी कोई संख्या सोच सकते हो, जैसे 5 8 1 4, हम क्या करेंगे अंतिम अंक को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और अंतिम अंक ये 5 8 1, ये कितना आ गया 8 आ गया, यहाँ कितना आ गया 9 8 5, हम इसमें से कर से 5 8, ये 9 है, 9 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये कितने आ गए 18, ये कितना आ गया 6 7, यहाँ से आगे और भी कर सकते हो, यानी अंतिम अंक 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 12, यानी ये क्या है 19। यहाँ से वैसे तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि 76 है वो 19 से डिवाइड है, लेकिन यहाँ से 19 है वो 19 से डिवाइड होगा। तो हमने ये किया है इसमें टेस्ट, अब हम इसमें से कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चनों के हम आंसर देंगे और हम इसी डिजिबिलिटी रूल पे देंगे। देखिए हमें फेस यानी अपने को क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर है ये आ रहा है। देखिए बच्चों अपने पास एक क्वेश्चन है 1829 का वह निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो। हमने अपने डिजिबिलिटी रूल के अंदर 12 का कोई टेस्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी हम इसे क्वेश्चन करेंगे। वो कैसे क्वेश्चन करेंगे हम वो देखते हैं। 12 से देखने के लिए हमें देखो 12 को हम 3 × 4 के रूप में लिख सकते हैं, 3 × 4 के रूप में। हम 4 का कैसे टेस्ट करते हैं कि अंतिम टू डिजिट अगर इससे डिवाइड हो रहा है 4 से, तो वो पूरी की पूरी संख्या है वो क्या हो जाएगी, इससे विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो बच्चों इसमें 33 है, उसमें 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर कट गया। यहां से 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, इसमें भी देखो 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है 1824। अगर हम 3 से देखते हैं बच्चों, तो यहां से देखो 3 का क्या आया था कि अगर अंकों का योग है वो 3 के गुणज होना चाहिए। अगर 3 के गुणज है तो 1 और 8 9 और 6, ये कितना आता है 15 आता है। यहां से देखो ये भी कितना आता है 4 12, लेकिन ये भी ये और ये क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, इसका योग कितना रहा है 6 7, और ये इसका योग आ रहा है 15, और इसका योग कितना आ रहा है 9 और 5 14, यानी ये संख्या तो पहले ही कट गई थी। अब मैं ऑप्शन में ए और बी और सी बच गए थे, लेकिन अपने को बी और सी में देखते ही पता चल गया था क्योंकि ये 33 है, ये 24 है, ये 30 है, ये 23 है, लेकिन अपने को 4 है, 4 को देखते ही अपने को पता चल जाना चाहिए कि अपने को अगर वो याद है अपने डिजिबिलिटी रूल कि अंतिम दो संख्याएं हैं, अंतिम दो अंक है वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, तभी उसमें 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो यहां से अपने को पता चल गया। तो और आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद।